मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज मल्टीप्लाइंग बाय 10, 100 and 1000. सपोज वी हैव टू मल्टीप्लाई 8 by 10. 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 10. ऑल ऑफ यू नो दैट 8 tens are 80. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज 8 tens. ओके, सी व्हेनेवर वी आर मल्टीप्लाइंग एनी नंबर फ्रॉम 10, 100, 1000, व्हाट वी डू, वी राइट, सपोज हियर इट इज 10. इन 10 हाउ मेनी जीरो आर देयर? 1 0 इज देयर ओनली, है ना? तो वी राइट 1 0 आफ्टर 8, दैट इज 8 0 80. अगेन सपोज यू हैव टू मल्टीप्लाई 7 by 10, अगेन हियर आफ्टर 1 ओनली 1 0 इज देयर, सो वी विल राइट 7 and 1 0, इट विल बी 70. सपोज यू हैव टू मल्टीप्लाई 40 by 10, सो इट विल बी, अगेन वी विल डू द सेम थिंग, वी विल राइट 40 and 0. हाउ मेनी 0 इज देयर? 1. सो इट विल बी 0. सो इट वॉज अबाउट 10. नाउ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई एनी नंबर फ्रॉम 100. सपोज यू हैव टू मल्टीप्लाई 80 and 100. सो अगेन सपोज व्हाट वी विल डू, वी विल राइट दिस 18 हियर एंड आफ्टर 1 हाउ मेनी 0 आर देयर इन 100? 2. सो वी पुट 2 0 हियर, सो आंसर इज 1800 और 1800, राइट? नाउ सपोज यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 19 by 100, सो इट विल बी 1900. नाउ इफ यू टॉक अबाउट मल्टीप्लाइंग बाय एनी नंबर बाय 1000, सो 12 मल्टीप्लाइड बाय 1000, सो इट विल बी 12, एंड वी विल ऐड 3 0 हियर, इट विल बी 12000. नाउ 18 या 15 मल्टीप्लाइड बाय 1000, इट विल बी 15000. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ आई एम मूविंग ऑन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.7. इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 83. सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 20. ओके, हियर व्हाट यू कैन डू, यू कैन ब्रेक दिस इन 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 10. ओके, 8 2 को हमने ऐसे ही लिख लिया और 0 1 0 इज देयर, सो इट विल बी 10. सो 8 2 are 16 और हमें पता है सिंगल 0 इज देयर, सो वी विल राइट दिस 0 हियर, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 7 मल्टीप्लाइड बाय 60. फर्स्ट वी विल ब्रेक दिस 60 इन 6 मल्टीप्लाइड बाय 10, राइट? 6 tens are 60 ओनली, सो दैट इज व्हाट आई एम राइटिंग हियर, 7 and this 6 and this 10. ओके, नाउ 7 6 are 42 एंड दिस 0 वी विल ऐड हियर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज 17 मल्टीप्लाइड बाय 40. अगेन दिस 30 वी विल ब्रेक इन टेंस, 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 10. सो इट विल बी 17 3s are देन यू विल मल्टीप्लाई 17 बाय 3, 3 7s are 21, 2 will be carry and 3
number 15. It is 17 multiplied by 10 multiplied by 30. See, first we will take 17. Then we take 10 as it is. And 30, as I told you, we can break this in 3 multiplied by 10. Okay? 17 threes are 51. And how many 10s are? Now I am reading question number 17. Rajesh has 20 rupees note. How much money does he have? Sorry, Rajesh has 76 20 rupees note. Rajesh ke paas 20 rupees ki kitni notes hai? 76. So uske paas kitne paise hai? How much money does he have? So he has 76 और किसके नोट्स है 20 रुपीज. अगेन वी विल राइट 76 एंड 20 वी कैन राइट एज 2 मल्टीप्लाइड बाय 10. देन वी विल मल्टीप्लाई 76 बाय 2 हियर. 76 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 सिक्स आर 12, 1 इज कैरी, 2 सेवन आर 40, 40 प्लस 1 इज 50. 152 multiplied by 10. Then 1520. Right? Now question number 18. After question number 17, a truck has loaded with 50 baskets of fruit. Each basket weighs 42 kilograms. What was the weight of the fruit? Question number 18. जो ट्रक है वो कितने बास्केट से लोडेड है? 50 बास्केट ऑफ फ्रूट्स. एंड ईच बास्केट वेट 42 किलोग्राम्स. और एक जो बास्केट है वो कितने किलोग्राम्स के हैं? 42. तो व्हाट विल बी टोटल वेट ऑफ फ्रूट? अगेन वी मल्टीप्लाई हियर. सो जहां पे भी जीरो है वी विल ब्रेक दिस इनटू टू पार्ट्स. 50 वी कैन राइट एज 42 multiplied by 5. 42 multiplied by 5. 5 2s are 10, 0, 1 is carry. 5 4s are 20, 20 plus 1 is 21. 210. 210. Kisko multiply karne pe aayenge? 42 and 5 4. And what is left here? 10. Then we can write it directly. 210, one more 0 here. So answer is 2100. Okay, now you will do question number 19 and 20 itself. I am explaining this question. Sunita has 992 10 rupee note. How much money does she have? It is just like question number 17. And question number 20 is, a man has 36 50 rupees notes. How much money does he have? It is also like question number 17. Okay, now you will complete this exercise, that is exercise 5.7. Thank you, class.